छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के फॉरेस्ट ब्लॉक जेल रोड में स्थित सिकल सेल संस्थान में सिकल सेल से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज होता है। संस्थान का उद्देश्य सिकल सेल रोगियों की पहचान कर मरीज को निःशुल्क इलाज के लिए नवीनतम और आधुनिक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। सिकल सेल संस्थान राज्य का ऐसा अस्पताल है जहाँ सिकल सेल रोगियों की सभी प्रकार की जाँच और उपचार और दवाएँ भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। बता दें कि वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में देवेंद्र नगर में छत्तीसगढ़ सिकल सेल संस्थान के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का किया भूमि पूजन किया, जिसमें 2.96 एकड़ भूमि में संस्थान का भव्य निर्माण किया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का निर्माण 48 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन से पूर्व मौली श्री पौधा का रोपण किया, तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मौली श्री का पौधा और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने बादाम का पौधा लगाया। के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी भाई, कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया जी, बहुत दिनों से हमारे मुख्यमंत्री सिकल सेल की व्यवस्था को लेके अत्यधिक चिंतित रहे हैं और उनके निर्देशन में, उनके गाइडेंस में हम लोगों ने प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ जो देश में अग्रणी राज्यों में है सिकल सेल की बीमारी की उपस्थिति के लिए, वहां कुछ विशेष प्रयास करके स्थिति में परिवर्तन लाया जा सके। अभी केजर साहब जैसा बता रहे थे लगभग 5%, ये 10% तक माना जा सकता है सिकल सेल के हमारी उपस्थिति 10 व्यक्ति में एक छत्तीसगढ़ में हमको मानना चाहिए। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने बहुत सारे रिसर्च किए और जो पूरे दुनिया में जो बीमारियां रही है उसके उन्मूलन के लिए टीका इंजेक्शन सब लाए। बहुत सारी बीमारियां जो पहले थी अब नहीं है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं अनुवांशिकीय हैं, कुछ है जो पैरासाइट से उसे बीमारियां आती है। आदरणीय साथियों, पिछले 4.5 सालों में स्वास्थ्य विभाग में अनेक अभूतपूर्व काम हुए हैं और इसका विस्तार भी हुआ। स्वास्थ्य के जांच के लिए अब आपको हाट बाजार में या शहरी क्षेत्रों में, मोहल्लों में भी जांच की और दवा की सुविधा मिल चुकी है और लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक अभियान चलाया गया, मलेरिया मुक्त बस्तर और उसके बाद मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़। घर घर जाके सैंपल लेना।